गुड इवनिंग फ्रेंड्स लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अकाउंटेंट एंड कंसलटेंट के लिए जो क्लाइंट्स या फिर बिजनेस हाउसेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करते हैं क्योंकि इनकम टैक्स के नए सेक्शन के आ जाने की वजह से अकाउंटेंट एंड कंसलटेंट को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इनकम टैक्स के सेक्शन टू सेवेंटी कैपिटल ए में जो कि इंसर्ट किया गया है फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवेंटीन से जिसको लेकर नोटिस एंड असेसमेंट ऑर्डर इशू किए जा रहे हैं सो सेक्शन टू सेवेंटी ए बात करता है पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम यानी कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट पाया जाता है अंडर रिपोर्टेड या फिर मिस रिपोर्टेड अगर असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 270 ए में ये कहते हैं कि आपकी रिटर्न इनकम जो आपने फाइल की है वो अंडर रिपोर्टेड है तो आपकी जो पेनल्टी होगी वो लगेगी 50 परसेंट ऑफ असस्ट टैक्स और अगर ये पाया जाता है कि ये अंडर रिपोर्टिंग ना होकर मिस रिपोर्टिंग है तो आपकी पेनल्टी हो जाएगी टू परसेंट ऑफ असस्ट टैक्स तो आइए समझते हैं मिस रिपोर्टिंग के सिचुएशन को जो सेक्शन 270 ए में बताए गए हैं सेक्शन 270 ए सब सेक्शन 8 यह कहता है वेयर अंडर रिपोर्टेड इनकम इज इन कंसीक्वेंस ऑफ एनी मिस रिपोर्टिंग देयर ऑफ बाय एनी पर्सन द पेनल्टी रेफर्ड शैल बी इक्वल टू 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम यानी कि अगर अंडर रिपोर्टेड की बात करें तो अगर आपका assessed टैक्स 5 लाख का है तो अंडर रिपोर्ट के केस में 50% पेनल्टी लगाकर 7.5 लाख का हो जाएगा और अगर बात करें मिस रिपोर्टिंग की तो यही अमाउंट पांच लाख पर दो सौ परसेंट पेनल्टी लगकर पंद्रह लाख का हो जाएगा मिस रिपोर्टिंग के सिचुएशन सेक्शन टू सेवेंटी ए के सबसेक्शन नाइन में दिए गए हैं आइए हम बात करते हैं इन सिचुएशन के बारे में मिस रिप्रेजेंटेशन और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स अगर आपने कोई फैक्ट्स को छुपा लिया या गलत तरीके से पेश किया तो आपका मिस रिपोर्टिंग का केस बन जाएगा, जाएगा।, 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 जाएगा। फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट कई बार ऐसा देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना दिखाकर पर्सनल अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर में दिखाया जाता है जिसके वजह से उससे मिला हुआ इनकम का प्रॉपर रिकॉर्ड या फिर डिस्क्लोजर नहीं हो पाता जिसकी वजह से आपको भी मिस मिस रिपोर्ट रिपोर्टिंग का इशू फेस करना पड़ सकता है क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सबस्टांसिस बाई एन एविडेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए गए एक्सपेंडिचर की प्रॉपर वाउचिंग एंड प्रॉपर रेवेन्यू स्टैंपिंग हो अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एविडेंस रिजेक्ट किया जा सकता है रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट ये बहुत बड़ा टर्म है आप एडजस्टमेंट के नाम पर अगर एंट्री करते हैं जिसे आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं और उसे आपका प्रॉफिट कम हो जाता है तो ये आपको मिस रिपोर्टिंग की तरफ ले जा सकता है फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसिप्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैविंग अ बियरिंग ऑन टोटल इनकम यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में अगर आप कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो आपको मिस रिपोर्टिंग झेलना पड़ सकता है फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और एनी ट्रांजेक्शन डीम टू एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और एनी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन टू विज द प्रोविजन ऑफ चैप्टर टेन अप्लाई अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में डील करते हैं तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करें नहीं तो आपको मिस रिपोर्टिंग का सामना करना पड़ सकता है होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ऐसे ही जीएसटी और इनकम टैक्स में अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहले पहुंच सके थैंक यू फॉर वॉचिंग